बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नायला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। इसराइल फलस्तीन तनाज़ा, यूरोपी वज़राए खारजा मस्कत में यकजा। जोसेफ बोरियल ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि आज से मस्कत में वज़राए का इजलास शुरू हो गया है। ये एक तारीखी मुलाकात है जिसमें हमें इसराइल और फलस्तीन की सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए ताकत को यकजा करने समेत तवीलुल मुद्दत हल तलाश करना होगा। यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा इसराइल फलस्तीन तनाज़ा पर बातचीत करते हुए के लिए आज मस्कत में यकजा हुए। एक बार फिर आपको बताएँ कि यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे ब्राय खारजा ताल्लुकात और सलाम जोसेफ बोरेल ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि आज से मस्कत में वज़रा इजलास शुरू हो गया है। ये एक तारीखी मुलाकात है जिसमें हमें इसराइल और फलस्तीन की सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए ताकत को यकजा करने समेत तवील मुद्दत हल तलाश करना होगा। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के सिविल तहफ़ और इमदादी इंसानी के रबते अफसर जॉन्स लेनार्ड चर्च ने हमास के इसराइल पर हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए फलस्तियों के लिए यूरोपीय यूनियन इंसानी इमदाद की फ्राहमी जारी रखेगी।